नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे KVS 2020 PGT TGT PRT टीचर्स रिक्रूटमेंट की। दोस्तों, आप अफवाहों से सावधान रहें। पिछले लगभग एक महीने से, जब से नया साल लगा है, काफ़ी सारे रूमर्स फैले हुए हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, चैनल्स हैं और फेसबुक पे भी आप देख रहे होंगे कि KVS रिक्रूटमेंट 2020 इतने पदों के लिए कब से कब तक आप अप्लाई करें, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। पर ऑफिशियली अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट अनाउंस नहीं की गई है KVS की तरफ से। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दूंगा जहां पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। आप उस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें, अफवाहों से सावधान रहें। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, रिक्रूटमेंट के फर्जी वीडियोस आए हैं या फर्जी न्यूज़ आई हैं सोशल मीडिया पे, लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं कैंडिडेट्स को और कैंडिडेट्स ने उन लिंक पे जाके अप्लाई भी कर दिया, फीस भी सबमिट कर दी। तो ऐसी ठगी बहुत ज़्यादा होती है सोशल मीडिया पे, तो आप सावधान रहें। जब भी रिक्रूटमेंट आए, चाहे वो KVS की हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर से जरूर चेक करें। ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट ये है kvsangathan.nic.in। तो यहाँ आपको रिक्रूटमेंट जब भी आएगी तो एक तो अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ अनाउंसमेंट के सेक्शन पे आप जरूर से जरूर चेक करें। और उसके बाद इसी वेबसाइट में बिल्कुल आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, नीचे एम्प्लॉयमेंट नोटिस का एक सेक्शन बिल्कुल अलग से प्रोवाइड कराया गया है, तो आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। वैकेंट पोजीशन में अभी आप देखेंगे तो अभी नहीं है, वैकेंट पोजीशन नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी नहीं किया गया है। और लेटेस्ट अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है, ये देखिए अनाउंसमेंट का, तो यहाँ ऐसे अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप रीड मोर पे क्लिक कर लीजिए। जितनी भी अनाउंसमेंट जारी की गई है, नोटिस जारी किए गए हैं KVS की तरफ से, वो सभी आपके पास आ जाएंगे। लेटेस्ट नोटिस 17/1/2020 को जारी किया गया है, ऑर्डर है कोई। और अगर वैकेंसियों की बात करें तो 13/1/2020 को जो वेटिंग पैनल जारी किया गया था, रिजर्व पैनल में से कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी, वो जारी की गई है बस। इसके अलावा कोई भी रिक्रूटमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन नहीं है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। तो वैकेंसियों के ब्रेकअप की तो बड़ी दूर की बात है, अभी तक तो अनाउंस ही नहीं की गई है। बाकी रिक्रूटमेंट आएगी ये पक्का है, हर 2 साल में रिक्रूटमेंट निकाली जाती है KVS की तरफ से, तो इस साल भी वो रिक्रूटमेंट आनी है और बड़ा ही जल्द हमें देखने को मिलेगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहें, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को चेक करते रहें, तो यहीं पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी ये रिक्रूटमेंट आएगी। बाकी फर्जी वेबसाइट से आप सावधान रहें, किसी भी लिंक पे ऐसे ही क्लिक करके जहाँ पे लिखा हो अप्लाई करें, अप्लाई ऑनलाइन, या उन लिंकों पे क्लिक करके कहीं आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि इस वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा kvsangathan.nic.in पे। तो ठीक है दोस्तों, यही एक जानकारी आप तक पहुंचानी थी, आपको जरा सा सचेत करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।